अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इब्राहिम, आई होप यू आर फाइन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है आपके लिए भी और मेरे लिए तो हो चुकी है अच्छी। वो क्या चीज़ है वो अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको बताऊँगा, ये जो बेजबान मुर्गियाँ हैं इनके अंडे जो हैं वो जहाँ पर ये अंडे देती थी वहाँ पर 2-3 दिन हो गए थे, अंडे बहुत ज़्यादा कम आ रहे थे। 2-3 दफ़ा पहले भी हो चुका है, काफ़ी दिन पहले भी हो चुका है, तो अंडे बहुत ज़्यादा कम आ रहे थे। पहले आते थे 17, 18, 15 इतने आते थे अंडे, तो यकदम ही ये हो गए 5-6, 7, 5-6, 7। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होगी कि इनको इतनी इनकी परवरिश करना, इनको पालना, तो इनको गंदम भी डालते हैं हम लोग, तो बहुत ज़्यादा ना स्ट्रगल करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो मैं कहा पता नहीं क्या हो रहा है, क्या वजह है, क्या नहीं, मुर्गियाँ अंडे देने छोड़ गई हैं। तो ऊपर सर्दियाँ हैं, अंडों की बहुत ज़्यादा किल्लत है, चाहिए अंडे। तो बात करने का मकसद ये है कि इनके जो अंडे गायब होते थे वो क्यों होते थे, वो अभी आपको बताऊंगा ये वीडियो में। वीडियो स्किमत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि अंडे कौन सी चीज़ खाती थी या पीती थी, जो भी वो आज आपको बताऊंगा। और जो न्यू है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो भी हो वो आपको ईजिली मिल सके। तो चलें बिना टाइम से कि आज की वीडियो शुरू करते। और हाँ, आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपने भी अपने कोई विलेज एरिया में रखी हुई हैं मुर्गियाँ, तो आपको पता चल सके कि उनके अंडे अगर यकदम कम हो जाते हैं या फिर नहीं मिल रहे, बिल्कुल ही नहीं मिल रहे, तो उसकी वजह क्या है, वो क्यों नहीं मिल रहे, वो आज आपको इसलिए ये वीडियो बना के दिखाने लगा हूँ। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये है फ्रेंड्स, कीड़ा बहुत ही ख़तरनाक होता है, इसे संगोल कहते हैं, और ये मेरी मुर्गियों के अंडे पीती थी अंदर जाके, और अभी इसे मार दिया। मैंने गार्ड को बुलाया था, उसने आके फिर से फायर से मारा है। ये देखिए, आम जो एयर गन की बुलेट्स होती हैं उससे नहीं मरता ये, ये उससे नहीं मरती, क्योंकि इसकी जिल्द जो होती है, जिल्द ऊपर वाली, ये काफ़ी सख्त और मोटी होती है, इसके ऊपर वो आम शल्ला जो है वो असर नहीं करता एयर गन का। एयर गन है मेरे पास, लेकिन वो इसे मारूँ भी तो इसे असर नहीं होता ज़रा सा भी। तो इसे अब उधर से लाए थे, वो गन बड़ी वाली गन के साथ LG का कारतूस उसे कहते हैं, यानी कि वो बुलेट होती है, तो वो वाली लगी है, तो फिर ये मरी है। तो ये मेरी मुर्गियों के अंडे जो हैं वो पी रही थी, ये पिंजरा एक उसके अंदर खुड्डा बना हुआ, उसके अंदर जाके तो मुर्गियों के अंडे पीती हैं। दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से नीचे ये खुदाई करके यहाँ से पता चल जाती हैं। 2-3 मारी हैं पहले भी, मैं कह चले आपको दिखा दूँ, अगर आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं कोई विलेज एरिया में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे आके मुर्गियों के अंडे पीती हैं। ये फ्रेंड्स पिंजरे का दरवाज़ा है, ये खुला होता है एनी टाइम, क्योंकि मुर्गियाँ जब खोलते हैं तो वो हरियाली वगैरह में जाके हरियाली खाती हैं, और जब अंडा देना होता है तो फिर वो ये पिंजरे के अंदर आके अंडा देती हैं। अभी आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ, यहाँ से अंदर जाती है, ये वाले एरिया से पहले आती थी, यहाँ पर मैंने अब मिट्टी लगा दी अच्छी तरह सारा, यानी क्लियर कर दिया, अब नहीं आ सकती अंदर। और यहाँ पर आके यहाँ पर ये इस जगह पे आके मुर्गियाँ अंडे देती हैं इस जगह पे, और ये सारे उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई हैं अंडे देने के लिए। ये देखिए, तो इधर आके वो अंदर आराम से बैठ के, तो 15 से 16 अंडे मिलते हैं, तो आके फिर वो सारे अंडे पी जाती हैं, और उसकी जो खोल होता है अंडे का वो भी नहीं छोड़ती, वो सारा खा जाती हैं। और मुझे ये था कि पता नहीं अंडे मुर्गियाँ देना छोड़ गई हैं या कम कर दिए हैं, ये वजह से मैं परेशान था बहुत ज़्यादा। तो मुझे अब पता चला है कि ये खाती थी, तो फिर इसे मैंने गार्ड को बुला के इसे फायर करवाया, तो फिर ये मरी है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी मेरी मुर्गियाँ यहीं पे होती हैं, हरियाली वगैरह खा ली, और इनको गंदम ही डालता हूँ मैं। इतनी मेहनत करने का फ़ायदा, ये आपको दिखाने का ये मकसद है कि इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा, कि अगर आपके जो अंडे हैं वो संगोले ये जो हैं ये खा लें और कोई और चीज़ ज़ाया कर दिया कौवा, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसलिए मैं कह चले आपको भी दिखा दूं कि अगर आपके भी अंडे ऐसे विलेज एरिया में आप रह रहे हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे इनका आने का खर्चा है, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपके अंडे जो हैं वो कैसे ज़ाया हो रहे हैं, कैसे मुर्गियाँ अंडे कम दे रही हैं, ये वजह भी होती है। तो इसलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये बेजबान है फ्रेंड्स, इनको क्या पता कि ये हमें बता भी नहीं सकते। और इनके सामने, मुर्गियों के सामने, मैं एक दफ़ा पहले भी मारी थी, वो मुर्गियों के सामने अंदर जाती है, तो वो अंदर जाके आराम से पी के आई थी। तो ये अब बता तो नहीं ना सकती कि हमारे साथ ये हो रहा है, आपके जो अंडे यानी कि ये देती हैं वो ऐसे संगोले वगैरह खा रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पता चल गया होगा। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।